हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर जो TAT के यहाँ पर जो अपडेट यहाँ पर आई है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पर जो अपडेट आई है उसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार ने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी जो वैलिडिटी थी उसको यहाँ पर बढ़ा दिया। पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होते कि यहाँ पर जैसे कि 7 साल की इसकी ईयर वैलिडिटी थी, तो दोस्तों अभी और इसके साथ साथ में UP की 5 साल की इसकी ईयर वैलिडिटी थी, तो दोस्तों उसको आपको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अभी यहाँ पर आजीवन इसे यूज कर सकते हो। कब तक यहाँ पर केंद्र सरकार ने क्या यहाँ पर न्यूज निकाल के आए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र आजीवन वैध करने का फैसला यहाँ पर केंद्र सरकार ने ले लिया। इसके साथ साथ में पहले यहाँ पर क्या थी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई उसके बारे में आपको बता दूँ। तो केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला यहाँ पर किया है, यानी आजीवन आप उसे यूज कर सकते हो। पहले 7 साल की से यहाँ पर यूज करने की वैलिडिटी दे रखी थी, उसके बाद में आपको TAT यहाँ पर दूसरा यहाँ पर एग्जाम देना पड़ता था वैलिडिटी खत्म होने के बाद में। तो ये टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जो यहाँ पर इसे पास करना ज़रूरी होता था। इसमें परसेंटेज अच्छी होती थी, रैंक अच्छी होती थी, जब भी आपको आगे यहाँ पर बढ़ पाते थे। तो गाइस, अगर आपको जैसे कि मैं आपको बता दूँ, 2 ऑप्शन है आपके पास में फिर भी मिलते हैं कि यहाँ पर आप अगर मान लो आपकी परसेंटेज इसमें डाउन है तो आप बार बार एग्ज़ाम दे सकते हो, नेक्स्ट बार फिर दे के आप उसे इसकी परसेंटेज रैंक यानी आपकी रैंक बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ में एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि आपको डिक्रीज करना तो है ही नहीं, कि नेक्स्ट बार आप अगर एग्ज़ाम देते हो तो डिक्रीज हो जाती है, तो कोई बात ना, उसे रद्द कर दीजिए। आप उसे मत लगाइए, उसके से पहले का जो भी है उसे यूज कर सकते हो। या फिर आपका जैसे कि नेक्स्ट आपने एग्ज़ाम दिया उसमें आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो गई है तो उसमें वो आप यूज कर सकते हो। तो गाइस, इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके साथ साथ में एक यहाँ पर अपडेट इसमें हो रहा है कि यहाँ पर कब तक का वैलिडिटी यहाँ पर दिया जाएगा। अभी क्या अब एग्ज़ाम देंगे उन उसको यहाँ पर आजीवन यूज कर सकते हैं, या फिर पहले के जो यहाँ पर हमने एग्जाम दे दिए उनके भी यहाँ पर वैलिडिटी यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। उसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर बता दूँ 2011 से जिन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था 2011 के बाद में और 2011 को भी दिया था, उनकी यहाँ पर वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी। अदरवाइज इससे पहले के जो एग्ज़ाम दिए थे उनकी वैलिडिटी यहाँ पर नहीं बढ़ाई जाएगी। जैसे कि 2011 के एग्ज़ाम देने वाले 2017-18 में यहाँ पर उनके वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, तो गाइस उनका यहाँ पर क्राइटेरिया उनकी बढ़ जाएगी, उनका ऑटोमेटिक यहाँ पर उनको नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाएगा। जिनको 2011 से पहले एग्ज़ाम दिया था उनका तो समाप्त हो चुका है, उनको न्यू देना पड़ेगा, लेकिन 2011 के बाद में जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था उनका क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली, यही अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो आप बार बार एग्ज़ाम दे सकते हो, किसी भी कितने भी आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरिया इसे यहाँ पर अपडेट किया है। इस अपडेट करने के साथ साथ यहाँ पर केंद्र सरकार से भी यहाँ पर मंशा की इसके साथ में डिबेट के डिस्कस किया, इसके बाद में ये फैसला निकला कि इसे यहाँ पर वैलिडिटी इसकी बढ़ा दी जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से ये अपडेट आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, साथ में वीदियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।